कानपुर में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने ऑपरेशन बाज की शुरुआत की है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इसमें किस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी और उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। सर, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन पर इनाम घोषित है और जो एब्सकॉन्डिंग है उसको देखते हुए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम ब्रांच और डीसीपी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है जो विभिन्न अपराधों में वांछित हमारे अपराधी हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए। और इसमें अभी तक हम लोग जो है 71 लोगों को जनवरी से लेकर अब तक अरेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा अभी 33 लोग हमारे ऐसे हैं जो इसमें पेंडिंग हैं जिनको हमें अरेस्ट करना है। साथ ही साथ इसमें जो 1 लाख तक का रिवार्डी है उसको भी अरेस्ट किया गया है और बहुत सारे ऐसे नए क्रिमिनल्स हैं जो अभी वांछित हैं उनको भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, उनको भी जो है वो रिवार्ड में शामिल किया जाएगा और उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। तो कानपुर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही ऑपरेशन बाज के तहत अब ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं जिनके ऊपर इनामिया है, वांछित है, ऑपरेशन के तहत उनकी धरपकड़ शुरू की। इसके साथ अभय श्रीवास्तव, ABC News कानपुर।